ईयर 1857 भारत का पहला फ्रीडम स्ट्रगल जिसमें एक वुमेन ने अंग्रेजों को नाके चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, रानी लक्ष्मीबाई। साल 1942 अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें अहम भूमिका निभाने वाली महिला थी उषा मेहता, सावित्रीबाई। ऐसे ही अनेकों वीरंगनाओं, लीडर, साहसी जज्बों से भरी महिलाओं की जन्मभूमि है भारत, जिनका नाम सुनते ही एक अलग ही गर्व, सम्मान और गौरव महसूस होता है। और भारत की ऐसे ही निडर, साहसी और विश्व भर में देश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि यत्र नारवेश की पूजनते रमनते दत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह एक श्लोक नहीं, नारी के सम्मान में कही वो बात है जो हमें बताती है कि नारी ही देवी है और नारी ही जननी है। जिस देश में महिलाओं का सम्मान है वह देश आबाद है, और जहां महिलाओं का सम्मान नहीं वह आबादी का नामो निशान नहीं। दोस्तों, वो दिन जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की महिलाओं के लिए खास है 8 मार्च, क्योंकि 8 मार्च को हर साल जोरों शोरों से दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, यानी यह दिन वुमेन्स का है। इसकी न्यू ईयर 1910 में क्लीरा जैटकिन नाम की एक महिला ने रखी थी। हालांकि इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत आज से करीब 115 ईयर पहले 1908 में तब हुई, जब करीब 15,000 महिलाओं ने एक साथ न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली। इन महिलाओं की मांग बहुत छोटी सी थी कि इन्हें वोट डालने का हक मिले और काम घंटे कम करके तनख्वाह पुरुषों के बराबर मिले। इसके ठीक एक साल बाद अमेरिकी की सोशलिस्ट पार्टी ने महिला नेशनल वुमेन्स डे की घोषणा की, और देखते ही देखते विश्व भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दुनिया से दूर भारत की बात करें तो भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से जाना जाता है। यहाँ की हर बात निराली है। एक समय था जब यहाँ की महिलाओं को उतना रिस्पेक्ट, उतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी, लेकिन आज पितृसत्तात्मक पैट्रियकल समाज होने के बाद भी भारत में वुमेन पूरी तरह से आजाद है। वर्तमान समय में भारत 69 करोड़ 82 लाख से भी ज्यादा महिलाओं का घर है, जिनमें से 59.3% वुमेन आज एजुकेटेड है। 39 मिलियन महिलाएं ऐसी है जो किसी न किसी रोजगार से जुड़ी हुई है, फिर चाहे 49.2 लाख टीचर्स हो या 56,854 हेल्थ विजिटर्स। इंजीनियरिंग से लेकर पॉलिटिक्स तक, बैंकिंग से लेकर सोशल सर्विस तक, लगभग हर फील्ड में आज भारत की महिलाएं आगे निकल रही है, और ये सब हुआ वुमेन एम्पावरमेंट की बदौलत है। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक शब्द, मुहावरा या लाइन नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को फिजिकली मेंटली मजबूत बनाने और उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाया जाता है। आप तो जानते ही है भारत के इतिहास में महिलाओं को आज़ादी कभी नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी, और सिर्फ भारत ही क्यों, पूरी दुनिया में महिलाओं ने अपना हक पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन आज कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो कहानी बदल चुकी है। आज की नारी निडर भी है और काबिल भी। वहीं भारत में महिलाओं को देवी माना जाता है। दोस्तों, इन्हीं देवियों ने समय समय पर भारत की भूमि पर ऐसे कारनामे किए जिन्हें याद करते ही मन गौरव से भर जाता है। लखनऊ की सत्ता संभाल कर बगावत की लहर छेड़ने वाली बेगम हजरत महल से लेकर इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करवा चुकी मैडम भिकाजी कामा तक, पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला से लेकर भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को आज देश सम्मान के साथ याद करता है। किसी ने इतिहास को सुनहरे अक्षरों में रंग दिया तो किसी ने चांद तक भारत का नाम रोशन किया, किसी ने जमीन पर दुश्मनों के सामने गर्दन नहीं झुकाई तो किसी ने राजनीति में नए झंडे गाड़ दिए। भारत जमीन है मशहूर पोएट भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू की, पहली महिला राष्ट्रपति और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल की। दोस्तों, ये वही देश है जहाँ रहने वाली एक आम सी लड़की ने भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त किया। जी हाँ, बात हो रही सरोजनी नायडू की। इसी तरह पहली मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी, समाज से लड़कर, विरोधियों के सामने डटकर खड़ी होने का जज्बा दिखाकर कदम्बनी, गांगुली और चंद्रमुखी बसु पहली महिला रही जिन्होंने ग्रेजुएशन किया। रात रात भर पढ़कर पुरुषों से आंख मिलाकर सिविल सर्विसेज को पास करने वाली पहली महिला रही किरण बेदी। दुनिया भर में निशानेबाजी में अपना नाम कमाने वाली तेजस्वी सावंत भी इसी देश में जन्मी है। इतिहास ही नहीं दोस्तों, भारत की बेटियों ने वर्तमान में बहुत खास बना दिया है। महज 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली सुष्मिता सेन पहली ऐसी भारतीय महिला है जो मिस यूनिवर्स बनी। लोगों ने बहुत रोका, बहुत टोका, लेकिन वो नहीं रुकी और दुनिया भर में भारत का नाम उजागर कर दिया। इसी तरह भारत की पहली एक्ट्रेस रही देविका रानी, जिन्होंने पर्दों के दायरे से निकलकर कुछ अलग करने का सपना दिखा। करोड़ों के दिलों के धड़कन बन चुकी काजल
अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें जब मौका मिला तब उन्होंने नेगेटिव रोल निभाने से भी परहेज नहीं किया और अपनी अदाकारी के चलते फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर नेगेटिव रोल हासिल कर ये बता दिया कि महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। शायद आपको याद ना हो दोस्तों, लेकिन इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एक फीमेल डायरेक्टर का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और वो नाम है सिया परंजपाई, जिसके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्में चश्मे बद्दूर, स्पर्श कथा और दिशा को आज भी याद किया जाता है। इसी तरह फातिमा बेगम ने जब पहली महिला फिल्म निर्देशक के तौर पर फिल्म बनाई थी तब समाज में महिलाओं को लेकर सोच बहुत रूढ़िवादी थी, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और बुलबुले परिस्थान को डायरेक्ट कर ये बता दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती। प्लेबैक सिंगर के एस चित्रा, कोरियोग्राफर मिलानी साराभाई, सरोज खान और भारत का पहला ऑस्कर अवार्ड दिलवाने वाली भानु अथैया को भी भूला नहीं जा सकता। इसी तरह भारत की अनेकों बेटियां हैं जो आज अपने देश का नाम रोशन कर रही है। उदाहरण के लिए आप प्रियंका चोपड़ा को ही ले लीजिए जो आज बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड की भी शान बन चुकी है। देश ही नहीं विदेशों में भी अपने नाम का परचम लहरा रही है और शान से कहती है मैं भारत की बेटी हूँ। सशक्त महिला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, नारी हमारा कल है, जैसे नारे सिर्फ भारत में दिए ही नहीं जाते। दोस्तों इन नारों के पीछे की सच्चाई भी अपने आप में खास है। आज भारत भर में अनेकों ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 31 जनवरी 1992 को नेशनल वुमेन कमीशन की स्थापना से लेकर टोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इंडियन डिवोर्स एक्ट 1969, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, जिसके तहत कामकाजी जगह पर महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ के खिलाफ सजा का प्रावधान है। इक्वल रिमुनरेशन एक्ट 1976, यानी एक ही काम के पुरुषों के बराबर सैलरी का प्रावधान है। महिलाओं के इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोविजन एक्ट 1986, प्रोक्सो एक्ट जैसे तमाम कानून है जो भारत में महिलाओं के सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हाल ही में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले रिजर्वेशन बिल को भी मंजूरी मिल चुकी है। भारत में मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक से आजाद है, वो खुलकर जी सकती है और जो चाहे कर सकती है। यही कारण है कि आज भारतीय महिलाएं कामयाब हो रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। तो दोस्तों आप भी अपनी सोच बदलिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।